नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो रहा है और ऐसे में हर कोई नवरात्रि में व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान लोग असहज महसूस करते हैं, कई लोगों को चक्कर भी आ जाता है, कई लोग अपना ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, कमजोरी वीकनेस फील होने के कारण पूरे दिन घर में ही रहते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के व्रत के दिनों में आप क्या कुछ ऐसा करें कि आपको व्रत करने से जो फ़ायदे होते हैं वो फ़ायदे तो आपको मिले ही, लेकिन उसका जो नुकसान साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि चक्कर आना, कमज़ोरी आना, जी मिचलाना, उल्टी, दस्त आदि, वो सब कुछ ना हो। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले तो सुबह फ्रेश होने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप हर्बल टी का सेवन करें। मिल्क टी से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपके शरीर में इंस्टेंट एनर्जी देता है, क्योंकि आयुर्वेद में हर्बल टी औषधि के समान माना भी गया है। एक चम्मच जीरा, एक चम्मच साबुत धनिया के बीज, एक चम्मच सौंफ को एक गिलास पानी में डालकर उबाल लें और उबालने के बाद इसे आप जैसे चाय चुस्की लगाकर पीते हैं वैसे ही सेवन करें। यह चाय आपके बॉडी से टॉक्सिन निकालेगी, साथ ही पाचन क्रिया को भी दुरुस्त करेगी, डिटॉक्सीफाई करती है और उत्तकों से विषाक्त पदार्थों को निकालकर बाहर फेंक देती है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अगर आप पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो अपनी रोज़ के डाइट में नट्स अर्थात ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करें। मखाने, अखरोट, बादाम, काजू, मूंगफली, किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स का सेवन अगर आप करेंगे तो आपके बॉडी को एनर्जी प्राप्त होगा और साथ ही आपको शारीरिक दुर्बलता, कमजोरी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, फास्ट के दौरान जब भी कभी पानी पीने की इच्छा हो तो ठंडा पानी पीने के बजाय आप अगर गुनगुना पानी पियेंगे तो आपका बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा और आपका बॉडी पूरे तरह से हाइड्रेट रहेगी। आप नींबू वाला चाय का भी सेवन कर सकते हैं, बेहद फ़ायदेमंद नींबू का चाय माना गया है। इसमें विटामिन सी एनर्जी देने के साथ ही आपके इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करेगा। जिन लोगों को गैस, कब्ज, अपच जैसे पेट फूलने आदि की समस्या भूखे रहने के कारण होता है, उसके लिए नींबू वाली चाय रामबाण की तरह काम करेगा। इस चाय को पकाने के लिए आप एक पैन में पानी गर्म कर लें और फिर उसमें आप कुछ चाय पत्ती के दाने डाल दें और जब ये पूरी तरह से पक जाए तो इसे आप गिलास में रख लें और ऊपर से नींबू निचोड़कर उसे चाय की तरह चुस्की लगाकर पिएं। चीनी के जगह आप इसमें शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, इन 9 दिनों के नवरात्रि में कुछ लोग फलाहार करते हैं रात को और कुछ लोग कट्टू के आटे की रोटी वगैरह खाते हैं, तो हम सलाह देंगे कि कट्टू के आटे की रोटी का सेवन ज़्यादा ना करें, क्योंकि इससे पेट जो है वो ख़राब होता है। इसलिए आप रात में कट्टू के आटे से बनी हुई चीज़ों के अलावा अगर सिंघारे के आटे की रोटी खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य हेल्दी भी रहेगा और किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। साथ ही फ्रूट्स में आप केला, सेब आदि कुछ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, 9 दिनों के इस नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहकर ये नवरात्रा मनाएं और व्रत अगर करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर दें। दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।